ये लगातार जैसे हमारे क्षेत्र में कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें कि एक व्यक्ति की गोली मारी थी कंधे पे लूट के उद्देश्य से, उससे थोड़ी देर पहले उस दिन एक और घटना हुई थी जिसमें कुछ छिनती हुई थी, और इस हमारे क्षेत्र में कुछ दिनों में काफ़ी घटनाएं हुई थी जिस कर कि हम काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे थाना सरसागंज की पुलिस और हमारी SOG की टीम, जिन्होंने कि बड़े अच्छे से इस केस को सारे केसेस को वर्कआउट किया है। इसमें एक गैंग पूरा पकड़ा गया है जो कि कुछ लड़के टावा के हैं, कुछ लड़के हमारे सरसागंज क्षेत्र के हैं। ये लड़के एक जगह बैठ के सब प्लानिंग करते थे और फिर प्लानिंग करने के बाद ये करते थे कि आज हमें इस रोड पे चेक करना है। एक गैंग उधर निकलता था, एक गैंग उधर निकलता था, और वहाँ पर ये अलग अलग तरह से घटनाएं को अंजाम देते थे। ये चोरी वगैरह की घटनाएं भी इन्होंने की है, बाइक चोरी की, और इन्होंने इस तरह की लूट की घटनाएं भी कही की थी। तो उन्हीं सब घटनाओं का खुलासा हमने किया है। इनके पास से तीन लड़के हमारे पास हैं अभी, रॉकी, वीरू और शिवम, जिसमें रॉकी और वीरू ये इटावा के निवासी हैं, शिवम ये अपना सिरसागंज का निवासी है, और तीन लड़के इसमें वांछित हैं, इनको हम तलाश कर रहे हैं। ये भी काफ़ी शातिर किस्म के अपराधी हैं, इटावा पर इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, तो बहुत ही जल्दी हम इनको ट्रेस कर लेंगे और इन पर भी अब पूरी लिस्ट बना ली है एक तरह से हमने, और बहुत कठोर कार्रवाई, इस तरह के जो लड़के हैं, इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की घटनाएं जो हमारे क्षेत्र में करते रहते हैं, उन पर हम बहुत ही कठोर कार्रवाई अब करेंगे। इनके पास से दो चोरी की मोटरसाइकिलें, एक अपाचे, एक स्प्लेंडर बरामद हुई है। इसके अलावा इनके पास से जो सोना भी कुछ बरामद हुआ है, पीली धातु की चेन, पेंडल टॉप्स वगैरह, और एक जो बैंक मैनेजर के साथ घटना हुई थी उसमें उसका बैग छीन लिया था, उस बैग में उनके बैंक की चाबी, कागज़ और लैपटॉप वगैरह थे। तो लैपटॉप तो इन्होंने कहीं ठिकाने लगा दिया है, लेकिन इनके पास से हमने बैग, उसमें जो कागजात थे, चाबियाँ वगैरह, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स, पासबुक्स वगैरह, वो सब हमने इनसे बरामद किए हैं। तो और बाकी जो सामान, अन्य सामान है, उसकी भी रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत जल्दी हम उसकी भी रिकवरी कर लेंगे और इन अभियुक्तों को भी बहुत जल्द हम